जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे, आप सबका एक दोस्त होगा जो सब चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रखता है, सब चीज़ें एकदम कैटेगरी में करके रखता है, कपड़े एकदम फोल्ड करके इस साइड पे, यू नो, पर्सनल कॉस्मेटिक्स यहाँ पे, बुक्स यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वहीं कोई एक दूसरा दोस्त होगा जिसको क्या पता नहीं क्या कहाँ पे है, टाइम पे कुछ मिलता नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टॉक कैटेगराइजेशन। वेलकम टू द फ्री फाइनेंशियल ट्रेड सीरीज। एंड शुरू करने के पहले क्विकली प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके यूट्यूब पे फनी वीडियोस काफ़ी आते होंगे, कभी कभी काम का आ जाना चाहिए। एंड एज अ रिवॉर्ड, हियर इज अ क्यूट पिक ऑफ अ क्यूट डॉग। अब स्टॉक्स को तीन फैक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिंग स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द सेक्टर। ओके, पहले हम देखते हैं मार्केट कैप में क्या होता है। मार्केट कैप में तीन होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एक छोटा सा सब भी होता है, माइक्रो कैप। ओके, सो लार्ज कैप इज इंडिया के टॉप 100 बिगेस्ट कंपनीज, जो हमने निफ्टी फिफ्टी डिस्कस किया था इस वाले वीडियो में, इंडेक्स फंड। वैसे ही निफ्टी 100 है। निफ्टी 100 मतलब इंडिया के टॉप 100 कंपनीज, एंड उस 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप बोलते हैं। द सेकेंड वन इज मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज इज बेसिकली 101 से 250 तक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट कैप। एंड द थर्ड वन इज स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज इज 251 से 500 तक। एंड स्मॉल कैप के एक छोटा सा सब ब्रांच कर सकते हो आप माइक्रो कैप, जो 501 से ऑनवर्ड्स होती है। कि माइक्रो कैप वाला सभी से ऐसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट हम मानते हैं इसको एक जनरल मार्केट का, यू नो, बिलीफ है। अब इसको हम ऐसे कैटेगराइज क्यों करते हैं? कैटेगराइज इसलिए करते हैं बिकॉज जितनी बड़ी कंपनी उतना कम लाइकली होगा उस कंपनी का जीरो पे आना, क्योंकि उस पर उतने रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके पास उतना प्रोग्रेस वगैरह कर चुकी है वो कंपनी, इट इज़ ऑलरेडी बिग। एंड ये जनरलाइजेशन हमेशा ट्रू नहीं होता, पर मोर ऑफन देन नॉट इट इज़। अब जो मिड कैप कंपनी है वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज, एंड स्मॉल कैप इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कैप कंपनीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग स्टाइल। इन्वेस्टिंग स्टाइल के भी तीन पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज ग्रोथ, द अदर वन इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड वन इज इनकम इन्वेस्टिंग। अब ग्रोथ में हम क्या चाहते हैं कि हर एक कंपनी डबल डिजिट्स के परसेंटेज से ग्रो हो, 10, 11, 12, 15, 20% से ग्रो हो। ग्रोथ दो टाइप्स के होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लिया बायजूस, और ऑर्गेनिक होता है एक कंपनी खुद ही ग्रो कर रही है एंड उसके दम पे इट इज गिविंग वेरी नाइस ग्रोथ नंबर्स। एंड हो सकता है ग्रोथ कंपनी से, होता भी है काफ़ी बार ये, कि उसका जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो थोड़ा हाई हो। अब सेकंड होता है वैल्यू कंपनीज। ऐसे हम देखते हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज विद गुड फंडामेंटल्स। अंडर वैल्यूड मतलब फॉर एग्जांपल हम इंट्रेंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे इसी पूरी फाइनेंशियल ट्रेड सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल इंट्रेंसिक वैल्यू आई अबाउट 500 रुपीज़, एंड उस कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है एट अबाउट 300 रुपीज़, सो ये अंडर वैल्यूड है एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, दिस कंपनी विल ग्रो इन द फ्यूचर, सो आई कैन इन्वेस्ट इन इट, राइट? बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 200 रुपये का आ गया यहाँ पे, एंड स्टिल उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। डोंट वरी अबाउट दिस ऑल, ये पूरी आगे फाइनेंशियल ट्रेसी सीरीज में कवर करेंगे। सो प्रेस सब्सक्राइब जिससे आपके पास वीडियोस के अपडेट आए, एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग। जैसे जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था, वो एक पेनी स्टॉक था, एंड आज उसका शेयर प्राइस कितना है आप बताएगा कमेंट्स में, आपका छोटा सा होमवर्क है, सिर्फ एक गूगल सर्च लगेगा, दैट्स इट। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, इनकम स्टॉक्स। इनकम स्टॉक्स मतलब इनका डिविडेंड का जो यील्ड होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ये डिविडेंड ज़्यादा परसेंटेज में पे आउट करते हैं। ऑल दो डिविडेंड पूरा वीडियो ये रहा, जनरली डिविडेंड पे क्या होता है, इतनी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब इतने इनोवेशन वाला चीज़ बची नहीं होती है उसमें, तो जो भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश रिजर्व है वो अपने शेयर होल्डर्स को पे बैक करती है एज अ रिवॉर्ड फॉर होल्डिंग देयर शेयर। एंड डिविडेंड्स का सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन है, बट वेट, एंड डिविडेंड्स का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो के एंड में, एंड कार्ड बन के आ जाएगा, बता दूंगा मैं आपको, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो स्टे टिल द एंड। नेक्स्ट आते हैं सेक्टर वाइज पे। सेक्टर अगेन FMCG सेक्टर हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, ट्रैवलिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, एनर्जी हो गया, IT हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग आपको, आप कौन सी इंडस्ट्री में काफ़ी बुलिश फील करते हैं। फॉर एग्जांपल मी पर्सनली आई एम वेरी बुलिश ऑन एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, जो ऑटोमोटिव एनर्जी का ओवरलैप है,
एंड द आईटी सेक्टर। ओके, मैंने बताया था आपको डिविडेंड वाला वीडियो, वो रहा ये, एंड उसके पहले पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज का प्लेलिस्ट रही ये। एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।